ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे। अच्छा, अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी, अगर मैं इसको एक साइड इसका अगर गर्म करूं तो जरूरी है कि दूसरा साइड गर्म होना चाहिए, ऐसा अगर होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी है। लेकिन फिर वही बात, हीट को ट्रांसफर करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जरूरत थी, वो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, क्योंकि उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए क्या होगा, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर नहीं होते, लेकिन जहां रूल है वहां एक्सेप्शन तो होना ही है। जैसे अपना कार्बन होता है, कार्बन जिसका एलोटॉप की बात करेंगे, कार्बन का एलोटॉप कौन होता है? ग्राफाइट। ग्राफाइट, ये ग्राफाइट ऐसी चीज है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करते हैं, और एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमें ग्राफाइट में थर्मल कंडक्टिविटी भी दिखाता है और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बताता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, कि नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक्सेप्शन किसका? ग्राफाइट का। हर जगह एक्सप्रेशन, जैसे हार्डनेस की बात बताई, ब्रिटल होते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी बात यह है कि डायमंड जो होता है ना, डायमंड कौन है? वो इसका भी एक एलोटॉप ही है, कार्बन का एलोटॉप है डायमंड। डायमंड को अगर हम स्ट्रेस करते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी मेलियबिलिटी दिखाता ही है, लेकिन बहुत कम। डायमंड को ठोक पीट के उसकी शीट्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेलियबिलिटी इसके अंदर होती है। कौन है ये डायमंड? नॉन, ये कौन है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में डायमंड थोड़ा हमको मेलेबिलिटी बताएगा, लेकिन अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, स्मॉल एक्सटेंट। यस, टी एक्सटेंट, अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट क्या बताएगा? मेलेबिलिटी। ठीक है, मतलब केवल बोलने के लिए, हाँ भैया है थोड़ा सा मेलेबिलिटी बता रहे। अदरवाइज डायमंड को भी हम क्या कहेंगे? ये ब्रिटल ही है, इसको भी पीटोगे ये भी अपने को पाउडर बना देगा। हार्डनेस, हाँ ये बात है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल इन द वर्ल्ड, इससे हार्ड कुछ नहीं है। द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल इन द वर्ल्ड, मतलब क्या? ये बहुत हार्ड है, लेकिन हार्डनेस का मतलब और ब्रिटलनेस का मतलब अलग अलग होता है। हार्डनेस मतलब उसका रेजिस्टेंस टूवर्ड्स स्क्रैचिंग, अगर मैं उसके ऊपर नाखून से रेखा बनाने जाऊं तो नाखून घिस जाएगा मेरा, अगर मैं उसको लोहे से काटना चाहूं तो लोहा भी मेरा घिस जाएगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। करेक्ट।